वेलकम टू एनएस क्लासेस, माय नेम इज नीतू। जैसे कि कल मैंने कहा था कि मैं आपको मंथली चार्ट प्रोवाइड करूंगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मई का मंथली चार्ट है। अगर किसी ने एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है या डीएसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चेक कर लो, उसके बाद से ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ पे मई में आपके दो सब्जेक्ट जो है वो पैरेलली चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखे हैं वो टॉपिक लिखे हैं जो मैं यहाँ पे करवा चुकी हूँ, मतलब इतने सारे जो टॉपिक हैं वो आपके कवर हो चुके हैं। ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कवर हो चुका है और ये आपका कवर हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये दोनों सब्जेक्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस करवाया है। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस करवाया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो आपके एग्जाम में कितना ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें आप ये मान के चलो कि आपका अगर 45 to 50 मार्क्स का अगर कंप्यूटर आने वाला है, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट 4 to 5 यहाँ से और 4 to 5 आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एसक्यूएल भी है, ठीक है, डीबीएमएस भी है, प्लस आपका एसक्यूएल वाला पार्ट भी है, तो आराम से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और 4 to 5 या 3 to 4 जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मतलब दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो 7 to 8 मार्क्स का यहाँ पे आपका वेटेज रखते हैं एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर स्क्रीनिंग एग्जाम में। ठीक है, अगर मैं एचटेट के एग्जाम की बात करूं तो एचटेट के एग्जाम में 5-5 मार्क्स आप यहां से लगा के चलो, और जो अगर एग्जाम है डीएसएसबी तो भैया ये लगा लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 10 मार्क्स यहां से और 10 मार्क्स यहां से, यानी कि 20 मार्क्स का यहां से वेटेज रखते हैं। एपीएस केवीएस सब में क्या है 7 to 8 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं किस किस एग्जाम में, अब देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना कितना कर लिया है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये सोचो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन देखता है तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है कि व्हाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से वर्क करा हो, जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया तो किस तरीके से वर्क किया, मतलब अगर आप ये कर लोगे तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो गोल्स एंड फंक्शन, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल एंड फंक्शन क्या है, मतलब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा सब्जेक्ट का नाम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके गोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसकी क्या क्या टाइप्स है, और जो इसके फंक्शन है पूरे ही फंक्शन जो है वो इसका पूरा सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद देखो टाइप्स करवा रखी है मैंने, उसके बाद मैंने करवाया प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद देखो प्रोसेस शेड्यूलर, कि प्रोसेस स्टेट में कौन कौन सा शेड्यूलर हम यूज करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म कहाँ करते हैं, लॉन्ग टर्म कहाँ करते हैं, प्रोसेस क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन आया कि प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखो कर्नल मोड और यूजर मोड क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। फोक के ऊपर एक फॉर्मूला है, आप जब फोक का करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का एग्जामिनर जो है क्वेश्चन यहाँ से पुट करता है। इसके बाद देखो जब हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करते हैं तो उससे पहले आपको उसका टाइम पता होना चाहिए कि बर्स्ट टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है,
क्योंकि जब आप एल्गोरिथम को सॉल्व करोगे तो वही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इनके जो डेफिनेशन है डेफिनेशन के ऊपर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एस आर टी एफ राउंड रोबिन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मल्टी लेवल फीडबैक। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं जो सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी करवाया है, प्लस जो यूजीसी नेट में आए हैं वो भी करवाए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अगर करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम क्यों यूज करते हैं, उसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे मैंने सब कुछ मेंशन किया है, प्लस रेस कंडीशन क्या होती है, रेस कंडीशन पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन के ऊपर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, तो यहां तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम तक। ठीक है, इसके बाद आपका क्रिटिकल सेक्शन रह जाता है, मतलब आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाला कुछ पार्ट रह जाता है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, फिर आपका फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन रह गया है ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब आ जाते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगेन मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस डिफाइन करवाया है कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, इसके बाद देखो बेनिफिट बताया है, ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको पीपीटी के थ्रू प्रोवाइड किया है एंड ये वाला पार्ट जो है मैंने जिस बोर्ड पे पढ़ाते हैं उस तरीके से मैंने आपको टीच किया है। ठीक है, तो इसकी जो वीडियो है वो आपको एक एक घंटे की मिलेंगी और इसकी वीडियो जो है वो 15-20 मिनट्स की आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट वन में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्यों हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले क्या यूज करते थे। ठीक है, क्या क्या मॉडल्स हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम फाइल का यूज करते थे, हमने जो फाइल यूज क्यों करनी बनकी, फाइल की डिसएडवांटेज क्या थी, डेटाबेस की क्या एडवांटेज है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवरअप की है। उसके बाद मैंने डे वन के पार्ट टू में बताया है आपको कि थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद आ जाता है ईआर मॉडल, ईआर मॉडल के बारे में तो मुझे आपको कहने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि ईआर मॉडल में एंटिटी क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, टेबल क्या होती है, टप्पल क्या होती है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, इस पे मतलब आपको कार्डिनलिटी क्या होती है। ठीक है, तो इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और बहुत ही बेसिक चीजें, अगर बेसिक से आप करोगे मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से करोगे तो आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी और बीच बीच में से चीजों को करोगे तो कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी आगे जाके एक टीचर बनना है, टीचर बनना है तो आप भी जब आगे टीच करो तो आपको इतना आना चाहिए कि आप आगे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा सको, अगर आपसे कोई भी कहीं पे भी कुछ पूछे तो आप डायरेक्ट उसका आंसर कर सको, तो आपको मतलब आप सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है, आप ये सोचो कि मुझे एग्जाम तो क्रैक करना ही है, उसके साथ साथ मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, अच्छा नॉलेजेबल टीचर बनना है ताकि जब मैं आगे बच्चों को टीच करूं तो मुझे अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद देखो डे थर्ड, डे थर्ड में मुझे क्या बताना है, की एंड रिलेशनल डेटा मॉडल, की इसका कंसेप्ट तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। की अगेन की क्या होती है, की डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है, यूनिकली जो डेटा को आइडेंटिफाई करती है दैट इज की फिर बहुत सारी टाइप होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी की होंगी। उसके बाद आता है रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद देखो डे फोर, डे फोर में मैंने आपको करवाया है रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, और इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे डे फाइव के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, एंड डे सिक्स में मैं आपको करवाऊंगी नॉर्मलाइजेशन, और ये तो मुझे आपको कहने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल आंख बंद करके यहां से करके जाना, और नॉर्मलाइजेशन करने से पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी आनी चाहिए, अगर आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं की तो नॉर्मलाइजेशन में आपको कंफ्यूज होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे और क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से पहले अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी को अच्छे से कर ले तो नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन को करने में विद इन सेकेंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो है ये तो सारा जो है मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, ये सारा फिर से करवाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने अभी ही करवाया है और बहुत डिटेल में ही आपको डिस्कस करवाया है। ठीक है, अगर आप इनकी वीडियो देखते हो, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आगे हमें करना क्या क्या है।
बता दिया है कि डे 5 डे 6 आपका मेंशन करूंगी। इसके बाद जो मैं आपको करवाऊंगी किस तरीके से करवाऊंगी वो बता देती हूँ। लाइक अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं डे 5 आपको करवा रही हूँ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी का आपको टॉपिक करवाया है तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके टीजीटी पीजीटी नेट गेट के सारे हम डिस्कस करेंगे। प्लस आपको मैं होमवर्क प्रोवाइड करूंगी हर क्लास में ताकि जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस निकाल के लाओ अगर आपको समझ में आते हैं। ठीक है, नहीं आते तो आप मुझसे पूछो। जितने क्वेश्चन आप मुझे दोगे मतलब जितने क्वेश्चन आप करोगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा आपका टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम जो है वो अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करेंगे। मई में आपकी होपफुली आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट ही बचेगा। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम कंप्लीट कर देंगे मई में। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से आगे आपका डेडलॉक भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो एक दो टॉपिक बचेगा वो हम नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ डीबीएमएस को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपको आप जो भी बोलो वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं। टॉपिक उठाएंगे, टॉपिक के बेस पे जितने क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। प्लस आपका काम ये रहेगा जिन जिन जो जो बच्चे प्रॉपर क्लास को देखेंगे कि जो टॉपिक करवाया है उसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे ढूंढेंगे, कॉपी नोटबुक बनाएंगे, मुझे भेजेंगे। ठीक है, और आपको जो समझ में नहीं आता समझ में आ जाता है बहुत अच्छी बात है, जो समझ में नहीं आता वो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये मंथली जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और सजेशन देना है कि मैम नहीं थोड़ा और अलग तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं या कुछ और अगर एडिशनल करवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, जैसे ही दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा तो इसके टॉप 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सजेशन देना है कि नहीं मैम ये पॉइंट और ऐड करो तो हम बिल्कुल उस पर ध्यान देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।